हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। फाइनली होंडा ने भाई डिसीजन अपना चेंज कर लिया। अब भाई ये लोग SP125 का नया मॉडल जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जो सीधा एक्सट्रीम 125 आर को बीट करेगी। भाई होंडा वालों से देखा नहीं जा रहा एक्सट्रीम का सेल्स है, इसीलिए इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग SP125 को अपडेट करते हैं, एकदम शानदार स्पोर्टियर लुक दे देते हैं उसका, और उसमें भर भर के फीचर्स दे देते हैं। आज मैं आप सभी को अपकमिंग SP125 के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्या कैसे उसमें मिलने वाला है, प्राइजिंग क्या होगा, सब चीज बताऊंगा डिटेल में। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले लुक और डिजाइन की बात कर लेते हैं। अभी तक जो अपने को SP मिलता था वो थोड़ा नॉर्मल सा लगता था भाई, हालांकि स्पोर्टियर था लेकिन थोड़ा नॉर्मल था। लेकिन ये जो आने वाला है मॉडल, ये पूरा नकेड वाला रहने वाला है भाई, एकदम स्पोर्टियर दिखने वाला है। बिल्कुल ही कम्यूटर का इस पे नाम ही नहीं रहेगा, एकदम स्पोर्टियर दिखेगी। और सिंगल सीट मिलेगा, स्प्लिट सीट नहीं मिलेगा, रियर हगर वगैरह सब चीज मिलेगा, टायर मोटा मिलेगा, सब चीज बताता हूँ डिटेल में। पहले नंबर तो इसमें आपको ऑल LED का सेटअप मिल जाएगा, पूरा हैलोजन हटा दिया इन्होंने, अब LED का सेटअप देंगे। इसके अलावा आपको डिजिटल मीटर नया मिलेगा, जो TFT रहेगा, कलरफुल डिस्प्ले, जिसमें आपको 10x10 नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, SMS बतेरो फीचर्स मिल जाएंगे। इवन आपको इसमें TPMS भी मिलेगा, टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, तो काफी मजा आने वाला है। बाकी बेसिक और भी फीचर्स मिलेगा, जैसे USB वगैरह, इंजन किल स्विच वगैरह, साइड स्टेन इंजन कट ऑफ का फीचर्स, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, बाइक गिरेगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो सब भी आपको इसमें सेंसर मिलने वाला है। तो काफी मजेदार ये गाड़ी होने वाली है भाई। बाकी इसमें आपको ब्रेकिंग के तौर पे सिंगल चैनल ABS मिलेगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा 280mm का, और रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। बाकी इसमें आपको इंजन जो है वो नया मिलने वाला है, 124.9cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व ऑयल कूल्ड इंजन, जो आपको 11.5 bhp का पावर और 12 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। बाकी इसमें आपको काफी शानदार स्पोर्टियर लुक मिलने वाला है, कंफर्टेबल सीट मिलने वाला है। इसके अलावा आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाला है। और इसको आप सिटी में भी चलाओगे और लॉन्ग राइड वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि इसका व्हील बेस जो है ना वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और रहा बात है लॉन्च डेट या फिर प्राइजिंग का, तो भाई होंडा ने अभी कुछ भी ऑफिशियली बताया नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि ये गाड़ी को बनाने का डिसीजन होंडा ने लिया है। तो इस गाड़ी को भाई अभी नहीं, 2025 में जरूर लॉन्च किया जाएगा, मिड या फिर एंड तक। बाकी रावत प्राइजिंग का, तो ये 1,20,000 रुपये के लपेट में ऑन रोड आएगी। बाकी पुराना वाला मॉडल भी मिलेगा भाई, पुराने वाले को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। इस वाले मॉडल का ये लोग नाम रखेंगे SP125 2.0। जो पुराना वाला रहेगा उसका तो नाम SP125 है ही, लेकिन इसका थोड़ा सा नाम अलग कर देंगे ताकि लोगों को ये कन्फ्यूज ना कर पाए। तो आपको ये SP125 न्यू मॉडल कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो काफ़ी सही लगी भाई, 1,20,000 रुपये में असिस्टेंट स्लीपर क्लच, ऑयल कूल्ड, इतना सब मिलने वाला है भाई, बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज़, इसमें वेव की मिलेगा TVS रेडर की तरह, नॉर्मल की नहीं मिलेगा, तो काफ़ी भाई चाबी भी लेके घूमने में मज़ा आने वाला है इस गाड़ी का। तो मैं तो भैया बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आप कितना एक्साइटेड हो इस गाड़ी को देखने के लिए भाई कमेंट में ज़रूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।